लागे सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खतियान आंदोलनकारी जयराम महतो को रांची लालपुर थाना ने गिरफ्तारी कर लिया है। इसके विरोध में उनके समर्थकों ने रांची की सड़कों पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। जयराम समर्थक ने प्रशासन और सरकार से प्रदर्शन के जरिए कहा कि जयराम महतो रिहा कर दिए गए हैं। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले जो झारखंडी खतियान आंदोलनकारी के हमारे नेतृत्वकर्ता टाइगर जयराम महतो समेत 7 साथियों को परेशान किया गया, 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया और वे वजह का परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया और एक साजिश और षड्यंत्र के तहत झारखंडी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके एक तानाशाही रवैया और गुंडागर्दी रवैया के विरुद्ध झारखंड सरकार, झारखंड के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची में। और आज इस पुतला दहन के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि टाइगर जयराम महतो को सरकारी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि कल अगर हम लोग एट ए टाइम जूट के चट्टानी एकता का परिचय देते हुए अगर हम लोग आंदोलन नहीं करते और आंदोलन का प्रेशर दबाव सरकार को नहीं पड़ती तो कहीं न कहीं एक साजिश और षड्यंत्र के तहत फंसा कर हमारे साथियों को हो सके जेल भी भेज दिया जाता। इसीलिए ये सरकार जो सरकार कहती है खुद को कि हम आंदोलन का उपज है, हम आंदोलन के कोख से बड़े हुए हैं, लेकिन आज ये सरकार दुर्भाग्यपूर्ण आंदोलन को देखना नहीं चाहती है। जो सरकार आंदोलन को देखना नहीं चाहती है उसको मैं सीधे तौर पे कह देना चाहता हूँ, यह बिरसा मुंडा का धरती है, यह बिरसा मुंडा का जयंती में राज का गठन हुआ है और बिरसा मुंडा का नारा था अबुआदी सुम अबुआ राज, लेकिन आज ये सरकार में पूरी तरह बाहरी काबिज है। आज देख रहे हैं उसके आजू बाजू के तमाम, चाहे उसके पंकज मिश्रा का बात करें, पिंटू सिंह का बात करें, उसके अधिकारी जितने भी अधिकारी पदाधिकारी का बात करें, उसके विधायक नहीं संभल रहा है, कोलकाता मार्केटिंग करने का नाम से यहाँ गाड़ी खरीदने जा रहा है, गाड़ी खरीदने का नाम से झारखंड को लूटने का काम कर रहा है। गजब का सरकार है, गजब का सरकार है, हम बार बार कहेंगे गजब का सरकार है। जो सरकार को राजधानी के अंदर हमारे माँ बहनों पर रेप किया जा रहा है वो उसको नजर नहीं आ रहा है, हमारे झारखंडी भाई बहनों पर दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है उसको अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। दिन दहाड़े झारखंड के खनिज संपदा, चाहे कोयला हो, बालू हो, अभ्रक हो, पत्थर हो, बेच दिया जा रहा है, उसको दिख नहीं रहा है सरकार और एक आंदोलनकारी को देख रहा है। इसीलिए हम जयराम महतो को सुरक्षा, सरकारी सुरक्षा मुहैया कराते हुए पूरे झारखंड में जितने भी आंदोलन का केस हुआ है, चाहे जेपीएससी आंदोलन का बात हो, जेएसएससी आंदोलन का बात हो, पिछला विधानसभा घेराव का आंदोलन का बात हो, चाहे हमारे साथी जो सरायकेला खरसवां से जो जिसका एफआईआर हुआ है, हमारे साथी जिसका सीकेपी में एफआईआर हुआ है, तमाम एफआईआर को ये सरकार वापस ले और कोई भी आंदोलनकारियों पर एक खरोच भी करने का कोशिश नहीं करे, अन्यथा आज जिस तरह पूरे झारखंड के अलग अलग जगहों में पुतला दहन किया जा रहा है, हम लोग भी राजधानी रांची में पुतला दहन कर रहे हैं और अगर हमारी आवाज को अगर दबाने का कोशिश किया जाएगा तो ये आंदोलन बहुत बृहद रूप से जाएगा, क्योंकि ये इतिहास है ये धरती का, ये धरती त्याग बलिदानी कुर्बानी का धरती है, ये धरती संघर्ष का धरती है, इस धरती में भगवान बिरसा मुंडा बलिदान कुर्बानी दिया है, हम झारखंड लिया है। अब बताइए यार, यहाँ तमाम जो पद नियुक्ति के है, जो रिक्त पद है उसको भी रिक्त को भरे और खतियान के आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति लागू करें। जो भी यहाँ पे हाँ का अधिकार का मांग कर रहा है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ जितना भी युवक है ना, सब पढ़ने वाला, कोई ना कोई पार्टी से संबंध रखता है, ना कोई जाति से संबंध रखता है, हमें बस चाहिए तो न्याय चाहिए। आज झारखंड में देख रहे हैं ना, प्लस टू के लोग बैठे हुए, पांच सब्जेक्ट का नहीं लिया गया है 10+2 का वैकेंसी में। अरे हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, चलती गाड़ी से किसी को किडनैप कर लिया, एक तरह से किडनैपिंग का ही बात हुआ ना, टाइगर जयराम महतो उठा लिया गया, एक घंटा तक नजरबंद किया गया, तो वो क्या हुआ, किडनैपिंग हुआ ना। इस तरह से किसी भी क्रांतिकारी को नहीं अगवा किया जाए, हम सरकार से यही मांग करेंगे और टाइगर जयराम महतो को परेशान नहीं किया जाए। प्रोग्राम यहाँ होता है, पुलिस उनके घर पहुँचती है धनबाद में, ये कहाँ का इंसाफ है लोकतंत्र में, क्या लोकतंत्र का हत्या नहीं कर रही हेमंत सरकार। हम इन सबको मांग करते हैं और कहेंगे कि जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं वो लोग को परेशान करना बंद करें और टाइगर जयराम महतो को सुरक्षा प्रदान करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।